ये जो सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जीन के बाल भवन में बनी मोबाइल शॉप की है, जहां दो बदमाशों ने शॉप पर गन दिखाकर महंगे मोबाइल फोन लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। शहर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। सोमवार को दिन दहाड़े करीब 12:30 बजे बाल भवन रोड स्थित एक दुकान से दो बदमाश दो मोबाइल फोन लूट ले गए। इसके बाद ये दोनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। हालांकि युवक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए हैं, लेकिन दोनों ने चेहरे ढके हुए हैं। आज दोपहर की बात है, 12 बजे के आसपास की बात है जी। दो बंदे आए थे बाइक पे, एक ने तो जेट ब्लैक कलर का हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने मुंह पे मास्क पहन रखा था। और दुकान पे आए थे, बोले 15 से 20 हज़ार तक का फ़ोन दिखा दे। वो भाई था बड़े वाला, वो फ़ोन दिखाने लग गया उनको, तो फिर वो चार पांच फ़ोन दिखाए थे उनको फिर। और यहाँ खड़े थे वो, यहाँ पे खड़े हो गए, वो कर रहे थे आपस में बात बूत करने लग गए। तो फिर उसमें से एक जने ने अपने दो फ़ोन उठा लिए, दूसरे ने फिर एक यहाँ से पिस्टल निकाल के वो दिखा दी उसको भाई को। तो इतने फिर वो जब तक वो एक ने बाइक स्टार्ट करी और दूसरा इतने में यही खड़ा रहा पिस्टल दिखा के, तो इतने वो फिर बाइक लेके चले गए थे। तो कितनी कीमत थी जो मोबाइल लेकर आते? एक थी 16,500 रुपये का था, एक 15,000 रुपये का था। हाँ, उस टाइम कॉल साथ के साथ पुलिस को कॉल कर दी थी वो, पुलिस में CTSHO भी आ गए थे साथ के साथ ही, मौके पे आ गए थे। लेकिन उन्होंने FIR तो दर्ज कर ली है, वो कार्रवाई अभी चल रही है उनकी। फुटेज में कुछ सामने आया? फुटेज में दिए हैं उनको वीडियो फुटेज CCTV कैमरे की निकाल के। बाल भवन रोड स्थित एक मोबाइल फोन की दुकान के संचालक योगेश ने बताया कि सोमवार दोपहर वो एक दुकान पर था। इस दौरान दो युवक बाइक पर आए, जिनमें से एक ने हेलमेट डाला हुआ था और एक युवक मुंह पर मास्क था तथा सिर पर कपड़ा लपेटे हुए था तभी एक युवक ने पिस्तौल निकाला और उसे दिखाते हुए दोनों मोबाइल सहित बाइक पर सवार होकर भाग गए। फिलहाल योगेश ने इसकी शिकायत पुलिस में दे दी है और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है ये तो समय ही बताएगा। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।